कोतवाली थाना क्षेत्र के अमरजीत शुक्ला के मकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिससे घर में रखा फर्नीचर, टेलीविजन और अन्य सामान जलकर खाक हो गया। इस घटना की सूचना पर सदर सांसद योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। आज सुबह लगभग 11:30 बजे अली नगर स्थित अमरजीत शुक्ला के मकान के एक कमरे में इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड से चिंगारी निकली, जिससे तारों में आग लग गई। कुछ ही देर में आग पूरे कमरे में फैल गया। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। किसी तरह घर में रह रहे लोगों ने अपनी जान बचाई। इसकी सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दिया गया, लेकिन काफी देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी देर से पहुंचने से लोगों में आक्रोश था। इस घटना की सूचना जब सदर सांसद को हुई तो वह मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से बातचीत की। आग लग गई है तो कौन कौन किया गया है आगे भागे जा आ रहे हैं। माता जी कल ही कहते हैं गई हैं सुबह, माता जी भाई कल ही गए करते हैं हैदराबाद और वहाँ से जाएंगे दिल्ली लोग चेकअप। गृह स्वामी राजन शुक्ला ने बताया कि विद्युत के तार में आग लगने से यह घटना हुई है। हम लोग की आग लग गई है तो हमने घुसा और ऊपर जो है जाकर सिलेंडर उन्डर निकाला और फिर हम लोग बुझा भैया भी बुझाए हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग सिलेंडर आग काफी तेजी से थी। जी जी तेजी थी, बहुत तेजी थी। जब हम लोग नीचे से पानी वानी फेंक रहे थे क्या उस समय फायर ब्रिगेड आ चुका था? नहीं नहीं उस समय फायर ब्रिगेड बाद में आया है, बाद में। सदर सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आग बुझाने की संसाधन की कमी है, क्योंकि इन दिनों कहीं न कहीं आग लगने से घटना हो रही है, जिससे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचने में देरी हो रही है। देखिए ये मामला अपने इलाहाबाद बैंक के पूर्व प्रबंधक रहे हैं शुक्ला जी, उनका घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई है। शिकायत है भी, दूसरा ये है कि इतनी प्रचंड गर्मी है कि जिले में कई जगह आगजनी की घटनाएं हो एक साथ घटित हो जा रही है। प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह हर थाने में एक फायर ब्रिगेड का स्टेशन भी स्थापित करें, क्योंकि अब ये है नहीं कि गर्मियों में किसी भी मौसम में शॉर्ट सर्किट से आग लग रही है। पावर के भी फ्लक्चुएशन के से भी सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। जर्जर पोल और तार हैं ये भी उसके कारण बनते जा रहे हैं, कुछ लापरवाही भी है। तो इस सब के प्रति अगर अवेयरनेस पैदा किया जाए तो काफ़ी हद तक उसको रोका जा सकता है, लेकिन घटना घटित भी है यहाँ पे और शुक्ला जी का भी 2 महीने पहले ही देहांत हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि